नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश में भले ही इन दिनों कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं के ही काम सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला शहडोल के वार्ड क्रमांक 38 से पार्षद और नेता प्रतिपक्ष इसहाक के इलाके का है, जहां पर बाढ़ की नालियों की सफाई को लेकर के पार्षद महोदय को धरने पर बैठना पड़ा। आपको बता दें कि काफी दिनों से नालियों की सफाई को लेकर के पार्षद महोदय के द्वारा नगर निगम को जो तो आगाह किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पार्षद महोदय को धरने पर बैठना पड़ा। जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 38 में लंबे समय से नाली सफाई होने से नाराज पार्षद और नेता प्रतिपक्ष इसहाक ने वार्ड वासियों के साथ नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नाली के ऊपर अपना आसन जमा कर विरोध के लिए उतर पड़े। उनका कहना है कि जब तक पालिका प्रशासन से उनकी वार्ड की में सफाई नहीं की जाएगी, तब तक वे ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पर दुर्व्यवहार व राजनीति के चलते उनके वार्ड में सफाई नहीं कराने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शहडोल नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा के उम्मीदवार काबिज हुए थे और इसी चलते नगर पालिका में आए दिन विवाद होते रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हम लोग खूब परेशान है, हम लोग पूरी नाली भरी है, कीड़े आ रहे हैं रोज, हम लोग साफ साफ कर करके परेशान हैं और पूरे भरी है एकदम। हम लोग नाली साफ कर रहे हैं, नालों पूरी अच्छी बनवाना चाहिए। तो नाली आप लोग खुद साफ कर रहे हो क्या? हाँ, हम लोग रोज साफ कर रहे हैं। क्यों? घर के अंदर पानी घुस रहा है, हम लोग बाहर निस्तार कर रहे हैं, कीड़े घुस रहे हैं घर के अंदर, बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग को चाहते हैं कि नाली रोज साफ हो और रोडों में हम लोग का डब्बा रखे कचरा रखने वाला, और रखे भी अगर रोड हम लोग की छोटी तो नाली के ऊपर चीप लगा उसके ऊपर डब्बा रखे। तो आपने इसकी शिकायत कभी नगर पालिका में की है? हम लोग अपने पार्षद से बताए, बेचारे वो भी परेशान है, आगे के लोग करते नहीं है, हम लोग करते तो पार्षद बेचारे सुनते हैं, काम कुछ नहीं होता हम लोग का। उनके ऊपर के हाथ पे भी कहा है, जब उनके ऊपर का नहीं हो रहा, ऊपर वाले नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि जब नेता प्रतिपक्ष की ये स्थिति बना दी गई नगर पालिका में, इनको दो कर्मचारी दिए गए थे सफाई के लिए, उसमें से भी एक कर्मचारी नगर पालिका के किसी मुखिया ने वापस बुला लिया, एक कर्मचारी आज चार दिन से नहीं आ रहा। हम तो जब यहाँ आए, हमको पता चला कि हमारे नेता प्रतिपक्ष सफाई के मामले को लेके और नाली के ऊपर धरने पर बैठे हैं। यहाँ आने के बाद ये तमाम बहनें आईं, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि स्थिति यह है कि नाली का पानी घरों के अंदर जाता, उसमें कीड़े बिलबिलाते हैं, बच्चे स्कूल न जाके, उनकी माताएं वहाँ पे खाना नाश्ता न बना के वो क्या कर रही हैं, नाली की सफाई कर रही हैं। इसलिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर प्रदेश में आपकी सरकार है, इसके बावजूद जो है आपकी सुनवाई नहीं हो। प्रदेश में हमारी सरकार है, सरकार तो कहती है सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करो, लेकिन नगर पालिका में जो मुखिया बन के बैठे हैं, सबसे बड़ा दायित्व तो उनका है। नगर पालिका का काम है तीन मूलभूत काम, सफाई, बिजली और पानी। यदि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदार कौन होगा? कमलनाथ जी नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार है नगर पालिका अध्यक्ष। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भाजपा की जो है वो अध्यक्ष है, इसलिए वो सफाई, शायद वो राजनैतिक रूप से परिपक्व ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ यदि राजनैतिक रूप से परिपक्व है तो इसहाक भाई से मतभेद हो सकता है, लेकिन जनता से क्या मतभेद है? इन लोगों से, इन महिलाओं से जिनको वो नारी शक्ति बोलती हैं, इन नारी शक्तियों से क्या विरोध है उनका कि वो इनके यहाँ सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं कर पा रही हैं? जनता इसका जवाब देगी और जनता आज पीड़ित है, हमारा नेता उसके लिए लड़ रहा है और हम सब उसके साथ हैं। और जी बताएं, आज आप जो है नाली के ऊपर बैठकर क्या विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? विगत 3 वर्षों से इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष हो चुका है, शहर में विकास की बात की जा रही है और मैं बुनियादी एक बात को लेकर विगत 3 वर्षों से परेशान हूँ कि ये नाली है, इस नाली का पानी लोगों घरों में जा रहा है। और मेरे लगातार प्रयास के बाद, पूरे नगर पालिका को, प्रशासन तंत्र को बताने के बाद, एक बुनियादी काम नाली की सफाई नहीं हो रही। बार बार बोलना चाहूँगा, नाली की सफाई, निर्माण कार्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सफाई की बात कर रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके पूरा देश लगा है सफाई की बात करता है और ये कोरी नौटंकी चल रही है यहाँ, नौटंकीबाजी है, चोचलेबाजी है। मैं पार्षद हूँ वार्ड का, आज ये इस तरह आ गया, मैं अपोजिशन का लीडर हूँ और मैंने
अपोजिशन के लीडर मतलब पार्षदों का लीडर होने के बाद भी जब मेरा ये हाल है तो इस शहर के अन्य पार्षदों का क्या हाल होगा, ये आप लोग अच्छे से आप क्या कर रहे हैं अभी? ये मैं एक संकनाद किया हूँ, मैं धरना दिया हूँ, जब तक मुझे नाली के ऊपर मैं बैठकर इसलिए ये कर रहा हूँ, ये दर्शा रहा हूँ कि जब तक मुझे कोई संतोषजनक कार्य को आगे बढ़ाने की बात नहीं की जाती तब तक मैं यहाँ बैठूंगा। इसके बाद अगर ये झूठी बात करेगी नगर पालिका तो इस नाली को मैं स्वयं सफाई। ऐसा क्यों हो रहा? चूंकि नगर पालिका में भाजपा की अध्यक्ष तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ जो है दुलाता व्यवहार किया जा रहा, आप कांग्रेस के हैं? शायद ये संभव है और ये बहुत कुछ मैं मानता हूँ कि यह दुर्भावना का काम है। आजकल सफाई कर्मी जो होते हैं वो नगर पालिका अध्यक्ष बांट रही है बैठ के, और ये 2500 से ऊपर का वार्ड है, नियमता 500 में एक कर्मचारी मिलना चाहिए और हमारे पास 2800 वोटर है हमारे, मुझे 6 बनते हैं और एक या दो दिया जाता है और आज 4 दिन से एक भी लेबर नहीं है। शादियों का सीजन चल रहा है, लोगों के यहाँ परेशानी है और मैं किसको जवाब दूँ? नगर पालिका में कोई उत्तरदायी नहीं है इसका। वहीं भाजपा के लोगों को कहना है कि अभी जो है आप लोगों द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो ये जो है इसलिए किया जा रहा है, एक ड्रामा बता रहे हैं। मैं बार बार बताऊंगा कि अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के हमारे 9 अन्य पार्षदों ने भी लाया था, वो भी सब नाराज थे, किस बात से संतुष्ट ये वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन दुर्भावना का काम राजनीति में नहीं चलता, दुर्भावना नहीं की जानी चाहिए। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ जैसे वो जनप्रतिनिधि है, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं बाकी और जगह भी कुछ कर सकता हूँ। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।